का स्वागत है आपके मिक्स रसोई रेसिपी में। आज हम बनाए डोसा, उसके लिए हमने एक कप चावल लिए हैं, एक कप उड़द की दाल ली है, आधी कप चने की दाल ली है, थोड़ी सी ली है हमने मेथी दाना। मेथी दाने से कलर आता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट भी आता है। हम लेंगे एक बाउल, बाउल में चावल डाल देंगे, चावल साथ में हम चने की दाल डालेंगे, इससे हमारा डोसा क्रिस्पी बनेगा। इसी के साथ में हम इसमें उड़द की दाल डालेंगे, धुली हुई उड़द की दाल है, छिक्कल वाली नहीं है दाल। इसी के साथ में हम मेथी दाना डालेंगे आधी छोटी चम्मच। इसमें इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इन सब चीज़ों को धो लेंगे अच्छे से, दो से तीन बार पानी से धोएं। हमने दो से तीन बार पानी को धो लिया है, हम उसमें पानी डाल के तीन से चार घंटे के लिए रख देते हैं, ताकि अच्छे से दाल और चावल है, चने की दाल है और उसकी दाल सब फूल जाएंगे अच्छे से। इसी के साथ में देखिए फूल चुके हैं हमारी उड़द की दाल, चने की दाल, चावल। हमने इनको धोकर पीस लिया है। हमने इसमें पानी का बहुत कम यूज़ किया है, क्योंकि उड़द की दाल होती है थोड़ी सी हार्ड होती है, तो पीसने में थोड़ा दिक्कत देती है, इसलिए हम इसमें थोड़ा पानी डाल के पीस लेते हैं। इसी तरीके का बैटर चाहिए हो, हम इसे रख देते हैं 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि इसमें जो खमी रुक सके, जिसको हम बबल्स बोलते हैं, उसको हम रख देते हैं। चलिए हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ, तो हम मसाला बनाते हैं अपने डोसे का। तो कढ़ाई ली है लो एल्युमिनियम की, उसमें हम थोड़ा सा अपना तेल डालेंगे 2 चम्मच करीब। उसमें बबल आ चुके हैं तेल में, तो हम इसमें नींद डालेंगे 1 दिन। इसी के साथ में हम राई के दाने डालेंगे, जिससे कि अच्छा टेस्ट आएगा और जो दाने हैं फूटने लगेंगे तेल में डालते ही, तो आप ध्यान से डालें। इसी के साथ में हम जीरा डालेंगे आधी छोटी चम्मच। इसी के साथ में हमने चने की दाल ली है, इसे हमने 15 मिनट के लिए डुबो के रख दिया था, ताकि फूल जाए। अगर हम चने की दाल डाल रहे हैं, उससे हमारा जो मसाला है बहुत ही अच्छा बनेगा। हम इसको डाल देते हैं, इसे हमने धो लिया है। हम चने की दाल डाल देते हैं, आप थोड़ा ध्यान से डालें, क्योंकि चने की दाल में थोड़ा पानी होता है तो वो उछलती है। इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छी तरीके से। हम 1 से 2 मिनट भून लेते हैं। अब हम कड़ी पत्ते डाल देते हैं। कड़ी पत्ते हमें पहले इसलिए डाले क्योंकि जल सकते हैं, हमने दाल के साथ डाले हैं, इसलिए हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च आप इसकी टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। इनको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इसके साथ में हम हल्दी पाउडर डालेंगे आधी छोटी चम्मच। इसी के साथ में हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इन चीज़ों को भून लेते हैं अच्छे से, 1 मिनट के लिए ना भून लेते हैं। और हमने जो आलू उबाले थे हम उन्हें डाल देते हैं। हमने आलू उबाल कर छील के उनको थोड़ा मैश कर लिया है, टुकड़ों में कर लिया है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपसे मिक्स नहीं हो पा रहे चम्मच की सहायता से, तो आप मैशर की सहायता से मैश कर सकते हैं। हम मैशर की सहायता से इसको दबा कर मैश कर लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि अच्छे से घुल सकें और जो हमारे डोसे में अच्छे से लग सकें, इसलिए हम इनको मैशर से मैश कर लेंगे। मैश कर सकें ताकि ये आलू जो हैं अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमारा डोसा है वो अच्छे से बन जाए, आपके मुंह में आलू के बड़े बड़े टुकड़े नहीं आएंगे। हमने मैश कर लिया है, हम मसाले को निकाल के ठंडा कर लेते हैं अच्छे से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम डोसा बनाने की तैयारी करते हैं। हम
हम चलते हैं डोसा बनाने की तरफ। तो हमने एक सवाल लिया, हमने गैस अपने भाई रखा है पहले भाई पे, क्या हुआ जो हमारा डोसा है अच्छी तरह बन सकेगा। लेकिन पहले हम इसमें पानी डालेंगे, इसको हम थोड़ा सा कम कर लेंगे, पानी डालने से इसका जो हीट होती है वो कम कर लेंगे। उसके बाद में हम कपड़े से पोंछ लेंगे, और जब हम बैटर डालेंगे तो हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे। हम इसको फैला लेते हैं, हम जब तक हाई नहीं करेंगे गैस का फ्लेम जब तक हम अपना डोसा नहीं फैला लेंगे। इसके बाद में हम हाई करेंगे, जैसे हमने अपना जो बैटर है डोसे का फैला लिया है, इसी के साथ में जो ऊपर ले जाता है मोटा मोटा हम उसको थोड़ा सा निकाल लेंगे, इससे हमारा डोसा और भी क्रिस्पी और टेस्टी अच्छा बनेगा। देख सकते हैं हमने इसका निकाल लिया है अच्छे से। इसी साथ में हम थोड़ा तेल डालेंगे, तेल से हमारा जो डोसा है वो आराम से उठ कर आ जाएगा। आप किनारे देख सकते हैं, तेल डाल दिया अच्छे से। डोसे की जो लेयर है वो उठने लगी है अच्छे से। इसको उठा के दिखाते हैं कि देखो कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी तरीके से निकल के आ रहा है। अब हम इसको आलू को जो हम मसाला बनाया था हम उसको लगा लेते हैं अच्छे से, तरीके से लगा लेंगे। हम आलू लगा लेते हैं, इसको पलट लेते हैं। हमारा डोसा बन के रेडी है। हमने अच्छे से फोल्ड कर दिया है, कितना क्रिस्पी बना है देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं आपको मैं डोसे की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।